अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। आज मैं शीरखुरमा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 100 ग्राम काजू तल ले रही हूँ। अब ये काजू निकालने के बाद में सेवियाँ तलूँगी, तल लूँगी। खजूर भी लाल हो चुके हैं, अब मैं खजूर को भी निकाल लूँगी। अब बादाम तल रही हूँ। अब बादाम भी लाल हो चुके हैं, बादाम को भी निकाल लूंगी। सेमी तल लूंगी। आड़ी में अच्छा नहीं है, देखिए। सेवी हमारी तल चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी दूध, जो मैंने पहले से गर्म करके रखे हूँ। 3 लीटर दूध का शीरखुरमा बना रही हूँ मैं। दूध को गर्म करके रख ली हूँ, अच्छी मोटी ताज़ी मलाई जमा हो गई इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी। अब हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। शक्कर डाल देंगे इसमें, अगर शक्कर नहीं डालेंगे तो सेवी गल जाएंगी एकदम से। एक 4 इलायची डालेंगे इसमें खुशबू के लिए। अब हम इसमें खजूर डाल लेंगे, जो सख्त है ना, अब इसमें पकने में इन्हें गल जाएंगे ये। बाद में हम काजू और बादाम की डेकोरेशन करेंगे। केसर डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद शक्कर डालेंगे। अब मैं शक्कर डालूँगी। आपको जितना मीठा होना उतना डाल सकते हैं, अगर फीका खाना है तो कम कर सकते शक्कर। मैं मीडियम डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। आधा किलो शक्कर ले लीजिए इसमें, कई बाद में डालते। हमारा शीरखुरमा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पक चुका है। हम इसको बंद कर देंगे। अब हमको इसको हम सर्व करेंगे। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब हमारा शीरखुरमा तैयार हो चुका है। और आप लोगों को ये वीडियो मेरी कैसी लगी, आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी ये शीरखुरमे की, और कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। और मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। आज मेरे घर में छोटा सा फंक्शन है, इसके लिए मैं आज ये रेसिपी बनाई हूँ, बिरयानी, यानी कि चिकन की बिरयानी, शीरखुरमा और दही की चटनी बनाए हम लोग, यानी कि दुल्हन दूल्हा के लिए छोटी सी दावत दी है हम लोग, इसलिए रेसिपी भी बता देंगे बिल्कुल। मैं बहुत दिनों से रेसिपी भी नहीं बनाई थी ना, आज मैं बनाई। मेरी रेसिपी को ज़रूर पसंद कीजिए और आप लोग भी इसी तरह से बनाइए और पीजिए, दुआएं में याद कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।